कलर शो सावी की सवारी में व्यूवर्स को देखने मिल रहा है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा, और फाइनली आज सावी के सामने खुद चल के आया वो सच जो वो इतने दिनों से ढूंढ रही थी। जी हाँ, सावी को फाइनली पता चल गया है कि वो जिसे शिवम के नाम से जानती है वो और कोई नहीं बल्कि उनके जेठ रक्षम दालमिया है। शिवम ये बात खुद कबूल करता है जब वो ध्रुव को कन्फ्रंट करने जाता है, उसे मारने के लिए जाता है, क्योंकि रक्षम का मानना है कि वो ध्रुव ही है जिसने उसकी लाइफ बर्बाद की थी। लेकिन एक शॉकिंग ट्विस्ट में रक्षम की बातें सुनने वाला ध्रुव नहीं बल्कि सावी होती है, जो रक्षम को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ घाट चलकर श्राद्ध पूजा को रोक ले। रक्षम सावी के साथ जाने से मना करता है, दोनों में काफी बहस होती है। सावी रक्षम को जाने से रोकती है, एकदम से नीचे बैठ जाती है, उनके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है और इसी के दौरान रक्षम के हाथ से गोली चल जाती है। वो गोली सावी को लगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन शो के अपकमिंग एपिसोड्स होने वाले हैं और भी ज्यादा मजेदार, क्योंकि डिम्पी द डेविल के हाथ लगेगी वो चिट्ठी जो रक्षम ने वेदिका के लिए लिखा था, जिसमें वो ये लिखता है कि कैसे उसकी गलती की वजह से पापा ने खुदकुशी की थी। क्या डिम्पी ये सच सबके सामने लेकर आएगी? वही श्राद्ध पूजा के दौरान वेदिका रिचुअल कंप्लीट नहीं करती क्योंकि उन्हें यकीन है कि रक्षम जिंदा है, और इसीलिए वो नित्यम से ये कसम भी लेती है कि नित्यम कभी भी उन्हें आगे जाके रक्षम का श्राद्ध पूजा करने के लिए नहीं बोलेगा। शो में डेफिनेटली काफी सारा ड्रामा, ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड सावी की सवारी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए ग्लिट्स विजन यूएसए को सब्सक्राइब करना ना भूले। हाय गाइस, दिस इज मी अनुष्का सिंह, यू आर वाचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू।